नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जो पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, उसके एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स एंड प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, अर्थात गैर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उपनिवेशवाद के क्या कारण रहे, उपनिवेशवाद के क्या परिणाम रहे, और जो डीकोलोनाइजेशन हुआ उसके क्या कॉजेस थे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है। एक पार्ट वन वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा था, तो वो पार्ट वन वीडियो को आप देख कर ही इस वीडियो को देखें, आपको तब जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ सब चीजें रिपीट होंगी। एक तरह से कॉन्सेप्ट नया है पर वही चीजें हैं जो पहले वाले वीडियोस में, पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, जो पार्ट वन था उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उपनिवेशवाद का, क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद आपस में मिलते जुलते शब्द है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देयर आर टू सिमिलर वर्ड्स कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, द पीपल थिंक दैट दे बोथ आर सेम बट दे आर डिफरेंट, सो आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन द कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन द फर्स्ट लेक्चर, एंड इन दैट ओनली आई हैव मेंशन्ड द टाइप्स ऑफ कोलोनियलिज्म, कितने टाइप है कोलोनियलिज्म के, वो भी मैंने आपको उसमें बता रखा है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, आप उसको देख कर आइए। उसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया था, causes and consequences of colonialism, अर्थात उपनिवेशवाद के क्या कारण रहे या उपनिवेशीकरण के क्या कारण रहे, कि जो बड़े बड़े जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे मैं ब्रिटेन था, फ्रांस था, पोर्टुगल, डच, ये सब आकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को गुलाम बनाते हैं, कॉलोनीज स्थापित करते हैं, उपनिवेश बनाते हैं, तो इनके क्या कारण थे, और जब एक बार कोलोनियलिज्म पूरे दुनिया पर हावी हो गया तो उसके क्या परिणाम रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से हुआ, एंटी कोलोनियल स्ट्रगल का नेचर क्या था, पूरी तरह से इसमें सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉजेस ऑफ कोलोनियलिज्म, अर्थात उपनिवेशवाद के क्या कारण रहे। तो उपनिवेशवाद के कारण को सबसे बेहतर तरीके से थ्योरी ऑफ 3G एक्सप्लेन करता है। 3G की एक थ्योरी है, 3G वो नेटवर्क वाला 3G नहीं, ये दूसरा 3G है। यहाँ 3G का मतलब है गोल्ड, ग्लोरी एंड कॉर। ये जो 3G है ये मोटिव, विजन और गोल दिखाता है कॉलोनियल पावर्स का, कि वह क्यों उपनिवेश बनाना चाहते थे। तो सबसे पहला जो जी है, दैट स्टैंड्स फॉर द गोल्ड। यहाँ गोल्ड का मतलब है कैपिटल। जो कॉलोनियल पावर्स थे जैसे में फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्टुगल, उन्होंने जो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया है उसको शुरू किया ताकि वह रिसोर्सेस अर्थात संसाधन और कैपिटल गेन कर सके उपनिवेशों से, कॉलोनिस्ट से, और ताकि उनका जो मदरलैंड है वो मजबूत बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। और ये जो प्रोसेस था जिसमें वे कैपिटल एक्वायर करते थे, रिसोर्सेस को अपने पास ले जाते थे कॉलोनीज से, उसमें बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडेड होता था, बहुत सारा शोषण करते थे वे, और जो कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, उनके धन को, उनके संपदा को वह अपने पास ले जाते थे। तो ये आपका पहला रीजन रहा, ठीक है। दूसरा है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है एक तरह से प्रेस्टीज, आप समझ सकते हैं सम्मान। देखिए, जो कॉलोनीज थे ना, जो बड़े बड़े सुपर पावर्स थे, कॉलोनियल पावर, कॉलोनीज नहीं, कॉलोनियल पावर, कॉलोनीज तो जो गुलाम बने उन्हें कॉलोनीज हम कहते हैं। तो बड़े बड़े जो कॉलोनियल पावर्स थे जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, पोर्टुगल है, स्पेन है, डच है, तो इन सब में प्रतिद्वंदिता, कॉम्पिटिशन चलता रहता था। वे सब ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम आपसे ज्यादा मजबूत हैं, तो हम आपसे ज्यादा मजबूत हैं, और एक दूसरे पर डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास करते थे। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, एक दूसरे पर डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास करते थे। तो
प्राइड कैसे फील करेंगे? तो प्राइड ऐसे फील करेंगे कि भाई देखो मेरे पास ज्यादा कॉलोनीज है, हमने इतने उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा है। तो इस तरह से जो ग्लोरी है, ग्लोरी का भी एक क्वेश्चन था जो कॉलोनियलिज्म था। तो कॉलोनीज वेर द मैटर ऑफ प्राइड फॉर द कॉलोनियल पावर। ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉलोनियल पावर्स वेर राइवल ऑफ ईच अदर एंड वांटेड टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी एंड डोमिनेंस। Thus, they wanted to control the large part of the world through the process of colonialism. और जो तीसरा है, जो मोटिव था, that is God. अर्थात religious मोटिव था। ये लोग क्या चाहते थे कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को एक ग्लोबल रिलीजन के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। और अगर क्रिश्चियनिटी को आपको एक ग्लोबल रिलीजन बनाना था तो आपको सबसे पहले जो कॉलोनीज हैं, जो उपनिवेश हैं, उन पर अपना अधिपत्य स्थापित करना पड़ेगा, कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए भी जो कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस है वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने किया, जो आपके कॉलोनियल पावर्स थे। और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, कॉलोनीज बनाया, और वहां अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी किया। और जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल जितने भी कॉलोनीज बनाता था पोर्टुगल, उसका सबसे एक मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता था कि हम किस तरह से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें। बाकी जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, उनका जो आपका प्राइमरी मोटिव था वो नहीं था कि वो रिलीजन को प्रमोट करेंगे। हाँ, वे भी करते थे पर उस हद तक नहीं करते थे। उनका था मेन कि हम ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से करें, हम यहाँ के जितने भी संसाधन है, रुपए पैसे है, सब ले जाए। तो ये चीज ठीक है। तो ये 3G जो है, ये आपका कॉजेस बताता है कि क्या कारण रहे उपनिवेशवाद के। कुछ और भी कारण है, जैसे कि देखिए, उपनिवेश तभी जो है कॉलोनियल पावर बना पाए जब नए नए सी रूट्स डिस्कवर हुए, नए नए लैंड्स डिस्कवर हुए। जैसे मैं पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कोई नहीं जानता था, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहले ढूंढा गया, उसको डिस्कवर किया गया, उसके बाद ना जाकर ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया, जिसको हम यूएसए आज जानते हैं, फिर कनाडा, उसको फ्रांस ने अपना कॉलोनी बनाया। तो डिस्कवरी हुए न्यू लैंड्स के और सी रूट्स के। अब जैसे हम लोगों के यहाँ वास्को डगामा नहीं आते, सी रूट नहीं ढूंढते, तो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती? तो ये भी रीजन है, अर्थात टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज द डिस्कवरीज। जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप किया, आपका मैग्नेटिक कंपास इन्वेंट किया गया। मैग्नेटिक कंपास से क्या हुआ कि वे डायरेक्शंस ढूंढना जान गए। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा इंडिया का, जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो डिस्कवरी हुए न्यू लैंड्स के और ट्रेड रूट्स के। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियास ने 1487 में केप ऑफ गुड होप को ढूंढा। केप ऑफ गुड होप क्या है? तो जो आपका जो अफ्रीका वाला पार्ट है ना, वो नीचे इंडिया जैसा दिखता है ऐसे करके, तो यहाँ जो है ना, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, ये जो कोस्ट लाइन है। तो केप ऑफ गुड होप को ढूंढा। फिर उसके बाद न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के नाम से किसको जानते हैं? तो दोनों अमेरिका को जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसको हम लोग न्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में दो न्यू वर्ल्ड्स को ढूंढा, दो कॉन्टिनेंट्स को ढूंढा। और उसके बाद सी रूट की डिस्कवरी की वास्को डी गामा ने, कैलिकट में आए थे 1498 में। तो इसके कारण भी आपका उपनिवेशवाद स्थापित हुआ पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन बूम इन यूरोप। देखिए, यूरोप के देशों का जो जनसंख्या था वह अचानक से बढ़ गया 18th सेंचुरी में, जिसको हम लोग पॉपुलेशन बूम के नाम से जानते हैं। तो जो कॉलोनियलिज्म था, जो उपनिवेशवाद था, एक तरह से यूरोपियन पावर्स की लक्ष्य के बदले वह उनकी जरूरत बन गई थी। अर्थात कॉलोनियलिज्म जो है उनकी नेसेसिटी बन गई थी रदर देन देयर गोल, क्योंकि उनको अपने पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना था। उसके लिए आपको नए लैंड्स चाहिए थे, नए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वहां सेटल करना था, नए पॉपुलेशन को नया एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए था। इसलिए भी उन्होंने आपका जो उनका नया पॉपुलेशन था, जो अचानक से बढ़ा था, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए भी इन्होंने कॉलोनीज बनाया। तो ये भी एक रीजन है। और इसीलिए यूरोपियंस ये कंपेल्ड थे दैट दे विल मेक द कॉलोनी इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका।
फिर आपका जो एक और कारण है डेट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा आपका चेंज लाता है पूरे दुनिया में। जो आपका हैंडमेड प्रोडक्शन था वह मशीन मेड प्रोडक्शन में शिफ्ट हो गया था। अब हैंडमेड प्रोडक्शन अगर आप किसी भी चीज का करिएगा तो आप मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं, आप उत्पादन जो करते हैं वह सीमित करते हैं, क्योंकि हाथ से आप कितना चीज बना लीजिएगा, ठीक है, तो आप उतना ही उत्पादन करते हैं जितना आपके जनसंख्या के लिए काफी है। तो पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तो यूरोप में जितने भी आपके छोटे मोटे फैक्ट्रीज हुआ करते थे वे हाथ से प्रोडक्ट्स बनाते थे, प्रोडक्ट्स इतने ही थे जितना पूरा यूरोप में कंज्यूम हो जाए। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, मशीन्स आ गई, अब मशीन्स लार्ज लेवल पे मास प्रोडक्शन करने लगी चीजों का। अब भाई अब सारा का सारा यूरोप में थोड़ी कंज्यूम हो जाएगा, और अगर पूरा का पूरा यूरोप में नहीं कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब जो आप प्रोड्यूस है आपका जो उत्पादन है वह खराब हो जाएगा अगर आप कहीं उसको मार्केट में नहीं बेचिएगा। अब मार्केट कहां से आए, तो मार्केट को टारगेट करने के लिए भी कोलोनियलिज्म को अपनाया गया, अर्थात पूरे दुनिया को कोलोनाइज करने का कोशिश किया यूरोपियंस ने, ताकि वह अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और प्रॉफिट गेन कर सके, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच वाज मोर देन द सेल्फ कंजप्शन, दस कॉलोनियल पावर वांटेड द न्यू मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और गुड्स टू गेन प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक और रीजन है कल्चरल डोमिनेंस, वह सांस्कृतिक प्रभुत्व भी पूरे दुनिया में जमाना चाहते थे, वह चाहते थे कि जो यूरोपियन नॉर्म्स और वैल्यूज है, जो मूल्य है यूरोप के, वह पूरे दुनिया में जाए और पूरे दुनिया जो है यूरोप को एक अच्छे नजरों से देखे, और यूरोप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हो आपके पूरे वर्ल्ड का। तो जो कल्चरल डोमिनेंस है, और मेरे ख्याल से कल्चरल डोमिनेंस में ये कामयाब भी हो गया, क्योंकि जहां भी कॉलोनीज है, जो भी आपके अर्स्टवाइल्ड कॉलोनीज थे, पहले कॉलोनीज यूरोपियन पावर्स के, सब यूरोप के कल्चर को अपनाते हैं, जींस पैंट कहां नहीं है। तो वो तो भैया कल्चरल डोमिनेंस में एक तरह से सक्सेसफुल हो गया और हमारे कल्चर को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया। आज कोई धोती पहन के निकल जाए तब तो फिर बवाल हो जाता है। चलिए, तो ये कुछ रीजंस थे कॉलोनियलिज्म के, जो कि आप लिखेंगे अपने एग्जामिनेशंस में। सबसे पहले आप डिफाइन कीजिएगा कॉलोनियलिज्म, फिर इंपीरियलिज्म को, फिर दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताइएगा। डिफरेंस बताने के बाद फिर आप कॉजेस बताइएगा, हम कंसिक्वेंसेस पे आते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, या आपने 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे उस टाइम में, अगर सोशल साइंस को, तो क्या क्या परिणाम रहे कॉलोनियलिज्म के। तो परिणाम तो बहुत सारे हुए, जो देखिए आपको ना कुछ चीजें खुद से भी सोचने पड़ेंगे। जैसे ये तीन चीजें यूनिक थे इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। अब कॉलोनियलिज्म हुआ तो कॉमन परिणाम तो आप ढूंढ ही सकते हैं ना। कॉमन परिणाम हुआ कि एक्सप्लोइटेशन हुआ कॉलोनीज का, उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, उनके रिसोर्सेस को ले जाया गया मदरलैंड के उपयोग के लिए, कॉलोनियल पावर के इस्तेमाल के लिए। तो ये सब तो चीजें आप खुद से लिख लेंगे, सोचना है बस थोड़ा सा, थिंकिंग क्रिएटर बनना है। अब जो आप नहीं सोच पाएंगे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम रहे उपनिवेशवाद के। सबसे पहला कोलंबियन एक्सचेंज, ये कोलंबियन क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से लिया गया है, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे ऐसे चीज थे जो कि ओल्ड वर्ल्ड में थे ही नहीं। ओल्ड वर्ल्ड मतलब क्या, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इतना ही हमको पता था। पहले हमको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था 1492 से पहले, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन्हें ढूंढा था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेरिका के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पपीता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप और अशोका, ये सबको पपीता के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि ये कहां से आया। अब खैनी, अगर स्टेटमेंट आ जाए अशोका खैनी खाते थे, तो खैनी कहां से खाएंगे, टोबैको नहीं खा सकते ना, क्योंकि जो टोबैको है वो पुर्तगाली हमारे पास लेकर आया, और पुर्तगाली कहां से अपने पास लेकर आए, तो पुर्तगालियों को मिला अमेरिका से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे काजू, काजू भी नहीं है, काजू भी अमेरिका से आया। हम लोग टमाटर को देहाती भाषा में बिलायती बोलते हैं, इधर बिहार झारखंड के साइड में, तो बिलायती इसलिए बोलते हैं ताकि वो विदेशी है, बिलायती मतलब विदेशी होता है इधर के कॉमन लैंग्वेज में।
टमाटर भी है ना, टमाटर भी यूरोप को भी नहीं पता था कि कुछ टमाटर नाम का चीज होता है, ना एशिया को ना अफ्रीका को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ही सारी है, 50-60 भी आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर वो चॉकलेट किस चीज से बनता है, चॉकलेट बनता है ना, क्या है अब मेरे को याद नहीं आ रहा है वो किस चीज से बनता है, तो वो भी नहीं था पहले, चॉकलेट भी नहीं खाते थे लोग, तो वहीं से वो भी आया। ठीक है, तो आप तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसे 5 चीजों का नाम लिखिए जो कि पहले ओल्ड वर्ल्ड में नहीं था, और जब न्यू वर्ल्ड का डिस्कवरी हुआ तो न्यू वर्ल्ड को जब कोलोनाइज किया गया तो उसके बाद इसी कोलोनियलिज्म की देन है कि ये टमाटर और आलू, आलू भी नहीं था यहाँ पे पहले, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मतलब बाबर ये सब जो थे ये सब आलू के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, या पहले जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुआ करते थे, तो ये सब चीजें हैं। दूसरा आपका हुआ स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड तो आपको पता ही है, दास व्यापार इसे हम हिंदी में कहते हैं। ट्रायंगुलर स्लेव के बारे में आपने पढ़ा होगा, किस तरह से यूरोप अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। आज आप देखिएगा कि जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं उसमें बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे, मॉरिशस में मिलेंगे, तो ये सब स्लेव ट्रेड के ही देन है। रवि रामपाल क्रिकेट खेलते हैं वहां पे, स्टिंडीज से शिव नारायण चंद्र पॉल, ये सब आप अगर अगर क्रिकेट के फैन होंगे आप जानते होंगे। तो इंडियंस जो है, इंडियन ओरिजिन के लोग कहाँ से पहुंचे वहां कैरेबिया में, तो वहां चाय की खेती के लिए मॉरिशस में, मालदीव्स में, श्रीलंका में, तमिल्स कहाँ से श्रीलंका में पहुंच गए, तो उन लोगों को स्लेव ट्रेड किया गया, दास व्यापार किया गया, उन लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था कि चलो करो। तो ये सब उपनिवेशवाद का ही देन है, अंग्रेज चाहते थे या जो भी कॉलोनियल मास्टर्स थे अलग अलग जगह पे कि चलो हमारे लिए खेती करो, तो ये सब चीजें हैं, स्लेव ट्रेड को बढ़ावा मिला इससे। और बुश टू मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म का मैंने आपको थ्योरी बताया था कैपिटलिज्म वाले वीडियो में। मर्केंटलिज्म एक आपका आइडियोलॉजी है जो चाहता है कि जो हमारा देश है, जो मेरा मदरलैंड है, उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, और अधिक से अधिक प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करता है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा देता है, इम्पोर्ट्स को कम कर देता है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा तो ट्रेड सरप्लस होगा, और ट्रेड सरप्लस होगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें कॉन्सिक्वेंसेस रहे आपके कॉलोनियलिज्म के। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन के बारे में, अर्थात गैर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। अब गैर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं उस चीज को आप देखिए, और यहाँ एक चीज और कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन में हम लोग कॉजेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं कि क्या कारण रहे गैर उपनिवेशीकरण के, साथ ही साथ कितने स्टेजेस में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो थे वे किस प्रकार से थे, इस चीज को हम देखेंगे, उनके नेचर क्या थे। यहाँ आपको एक चीज समझना है, देखिए यहाँ जो हम डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला डीकोलोनाइजेशन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके टीचर्स तो आपको वैसे भी नहीं पढ़ाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, मैंने फोर्थ सेमेस्टर के सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब जब नेशन स्टेट टॉपिक पढ़िएगा सेमेस्टर फोर में, तो आप देखिएगा कि डीकोलोनाइजेशन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही से हुआ है। वो जब अमेरिका आजाद हुआ 1776 के टाइम में, जब 13 कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस गेन किया, तो क्या वो डीकोलोनाइजेशन नहीं था? बिल्कुल था। जब पुर्तगाल आजाद करता है ब्राजील को, तो क्या वो डीकोलोनाइजेशन नहीं था? वो भी डीकोलोनाइजेशन था। तो डीकोलोनाइजेशन है ना, वो बहुत सारे चरणों में हुआ है, बहुत सारे वेव्स में हुआ है। सो देयर आर वेव्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, बहुत सारे लहर है, वेव्स है डीकोलोनाइजेशन के, गैर उपनिवेशीकरण के। लेकिन ये जो वेव्स है ना, ये आपको सेमेस्टर फोर में पढ़ना है। ठीक है, आप अभी चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया है, और आप अपने अगर आंसर्स में अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतना लिखने का जरूरत है, अपने एग्जामिनेशन में अपने टाइम कम होता है, कितना लिखिएगा। तो डर्बीशायर एक आपके कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर है, उन्होंने चार वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया है कि गैर उपनिवेशीकरण
चार अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है। सबसे पहला हुआ है 1810 से 1838 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम में हुआ है। फिर आपका जो तीसरा वेव है ना डिकोलोनाइजेशन का, 1944 से 1984 तक, ये जो थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन है। और फोर्थ वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन जब रसिया है, यूएसएसआर, जब 15 अपने सैटेलाइट कंट्री पर कब्जा करके रखा था, मैंने आपको बता रखा है पहले कोल्ड वॉर वाले वीडियो में, तो क्या वो कोलोनाइजेशन का फॉर्म नहीं था? क्या वो कोलोनियलिज्म नहीं था? क्या वो उपनिवेशवाद नहीं था कि जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सब जो देश थे, लटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये सब जो कंट्रीज थे, ये सब अंडर में आते थे रशिया के अंडर में, यूएसएसआर के पार्ट थे, तो ये भी तो एक तरह से डोमिनेंस था। आप जब पहला लेक्चर देख कर आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि कॉलोनाइजेशन का मतलब, जो कॉलोनियलिज्म है, उसका सिंपल सा मतलब है कि एक मजबूत देश है वो कमजोर देश को दबाता है, कंट्रोल करता है उसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, बस यही होता है उपनिवेशवाद का मीनिंग, परिभाषा। वो भी तो था, मतलब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जब ये इंडिपेंडेंट हुए जो 15 सैटेलाइट स्टेट्स थे सोवियत यूनियन के, तो वो भी तो डिकोलोनाइजेशन का ही एक प्रोसेस हुआ। लेकिन अभी जो हम कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, हम थर्ड वेव ऑफ कोलोनाइजेशन के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन। अब डिकोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत सारे टाइम पीरियड में हुई है, लेकिन हम कौन से टाइम पीरियड वाले को पढ़ रहे हैं? हम थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जो कि 1944 से 1984 के बीच में हुआ था। और ये जो वेव्स ऑफ डिकोलोनाइजेशन है, ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? ये डर्बीशायर ने किया था, ठीक है। और ये जो थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा देश डिकोलोनाइज हुए थे, सबसे ज्यादा देश स्वतंत्र हुए थे। आप यहाँ देखिए 94 कंट्रीज, इसमें इंडिया भी था, इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज थे। इसीलिए कभी कभी ये जो थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन है, इसे हम सुनामी ऑफ डिकोलोनाइजेशन भी कह देते हैं, क्योंकि देख रहे हो ये वेव कितना ऊंचा गया, कितना तीव्र था, कितना एक्सट्रीम था। 94 कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग दिस वेव। तो बस ये कॉन्सेप्ट समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। फर्स्ट वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन सेमेस्टर 4 वाले वीडियो में कवर है। हाँ, ये थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन, मेन इंपीरियल पावर्स यूके, फ्रांस, बेल्जियम, पोर्टुगल, लोकेशन ऑफ डिकोलोनाइजेशन मेनली एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन कंट्रीज। फिर उसके बाद अप्रोक्स नंबर ऑफ डिकोलोनाइजेशन, कितना कंट्री का डिकोलोनाइजेशन हुआ? 94। एग्जाम्पल अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इंडिया, जमैका, बहुत सारा। और डर्बीशायर ने इसको वेव को सुनामी का नाम दिया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो जब आप पॉलिटिकल कल्चर सेमेस्टर 4 में पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो इस चीज को हमें देखना था। फोर्थ वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन, इसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अब कॉजेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन, आपको पता चला ना कि हम किस पीरियड में जो डिकोलोनाइजेशन हुआ उसको हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो थर्ड फेज है डिकोलोनाइजेशन का, हम उसको लेकर चल रहे हैं, 1944 से 84 वाला, ठीक। तो क्या कारण रहे गैर उपनिवेशीकरण के? तो एक मॉडल डेवलप किया गया था रोनाल्ड रॉबिन्सन और रॉजर लुइस के द्वारा। और ये जो मॉडल डेवलप किया, एक मॉडल था डिकोलोनाइजेशन का, रोनाल्ड रॉबिन्सन और रॉजर लुइस के द्वारा जो डेवलप किया गया था, उसको स्टडी किया। किसने स्टडी किया? तो गियर लुंडस्टैड ने, तो गियर लुंडस्टैड ने उसको स्टडी किया। और उन्होंने
तीन इंपॉर्टेंट कॉजेस बताए और इसके अंदर सब कॉजेस भी है लेकिन मेनली तीन कॉजेस। उन्होंने बोला कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस कॉलोनियल पावर्स में हुए हैं, जैसे ब्रिटेन में कुछ चेंजेस हुए, फ्रांस में, बेल्जियम में, और कॉलोनीज जो उपनिवेश है उनमें भी कुछ चेंजेस हुए, और ये तीनों जो फैक्टर्स है ना ये कारण बने आपके गैर उपनिवेशीकरण के। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या चेंजेस हुए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलोनियल पावर में क्या चेंजेस हुए, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके कॉलोनीज में क्या चेंजेस हुए। तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या चेंजेस हुए थे जिस कारण से डिकोलोनाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले यूएसए ने अपने पॉलिसी में बदलाव लाया। देखिए यूएसए पहले खुद एक कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का, लेकिन बाद में वो शक्तिशाली बनकर कॉलोनीज अपना बनाने लगा था। फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, ये सब यूएसए की कॉलोनी थी, ठीक है, एक टाइम में। तो यूएसए ने अपने कॉलोनियल पॉलिसी में बदलाव लाया, इंटरनेशनल लेवल पे बदलाव लाया। यूएसए में जब गवर्नमेंट था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, इनको हम लोग पॉपुलरली एफडीआर के नाम से जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि एफडीआर क्या होता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जो सरकार थी उन्होंने सोचा कि हम यूएसए को एक वर्ल्ड पावर बनाएंगे, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय दुनिया को पता चल गया था कि ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर हो जाने वाले हैं और यूएसए ही वर्ल्ड ऑर्डर में किंग बनकर उभरने वाला है। तो यूएसए ने डिसाइड किया कि भाई हम पहले दुनिया के हमदर्द बनेंगे, तब तक लोग हमें लीडर के रूप में वैल्यू देंगे। तो यूएसए ने डिसाइड किया कि हम पूरे दुनिया में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और सभी जगह उदारवाद और लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करेंगे। इससे उसको एक और फायदा था, यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और जहां उदारवाद और डेमोक्रेसी साथ में होगा वहां कैपिटलिज्म का ही मॉडल आएगा, और जब कैपिटलिज्म का मॉडल आएगा तो उसे सोने पर सुहागा हो जाएगा उसके लिए, और उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा और एक तरह से नियो कोलोनियलिज्म की पॉलिसी अपनाएगा। इसको छोड़िए, यहां तक ही आप समझिए कि मतलब उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है, और वो वर्ल्ड लीडर के रूप में उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छा है, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो जो यूएसए जो था, ऐसे ही लोगों को शी बोलते हैं, ये लोग एक तरह से फीमेल होता है जो कंट्रीज लोग होता है, यूएसए, इसको छोड़िए, इसीलिए यूएसए के लिए यहाँ शी लिखा हुआ, ठीक है। तो यूएसए सुपर पावर बनना चाहता था, इसीलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1936 में ही ऐलान कर दिया कि भैया ये जो कॉलोनियलिज्म जो है ना ये बहुत खराब चीज है, इसको सभी देशों को छोड़ देना चाहिए, जितने भी कॉलोनियल पावर्स हैं अपने अपने कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट बना दें, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को सभी जगह इंस्टॉल करना चाहिए, कैपिटलिज्म को इंस्टॉल करना चाहिए, इसी से पूरे दुनिया का भला होगा, और जेन्युइनली ऐसा कर भी रहे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्योंकि फायदा था और उनका एक पॉलिटिकल विल भी था। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो हम फिलीपींस हमारा कॉलोनी है हम उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देंगे 1936 में, लेकिन भैया फिलीपींस का किस्मत खराब था। अब उस समय आप देखिएगा जब प्लान चल रहा था उसी समय आपका सुगबुगाहट लग जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो इसीलिए डिले हो जाता है, और फाइनली जो है फिलीपींस 1946 में इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यूएसए सुपर पावर बना ना भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यूएसए अब प्रचार प्रसार कर रहा है, प्रेशर बना रहा है कॉलोनियल पावर्स पर, ब्रिटेन पर, फ्रांस पर, कि देखो तुम्हारे जितने भी उपनिवेश है ना उसको जल्दी खाली करके निकलो, सभी जगह लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। ब्रिटेन फ्रांस उसका बात क्यों मानेगा, क्योंकि अब यूएसए सुपर पावर है, बात मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये पहला आपका इंटरनेशनल लेवल पे चेंज हुआ। दूसरा चेंज हुआ प्रेशर बाय रशिया। अब आपको पता है कि रशिया भी उस समय सुपर पावर बनकर उभर ही रहा था, यूएसए को खूब चैलेंज करता था उस समय, तब ना फिर बाद में आपका कोल्ड वॉर का शुरुआत हो जाएगा। और आपको पता है कि कॉलोनियलिज्म जो है कॉलोनियलिज्म से नफरत करते हैं जो मार्क्सवादी होते हैं, क्योंकि लेनिन का मानना था कि जो साम्राज्यवाद है दैट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्च एक प्रकार है, ठीक है,
और आप खुद बताइए, आपने पहला वीडियो अगर देखा तो आप खुद बताइए कि इंपीरियलिज्म तो एक आइडिया है और उसी आइडिया को प्रैक्टिस किया जाता है कोलोनियलिज्म के द्वारा। मतलब इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म मौसेरे भाई हुए। अब इंपीरियलिज्म हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है तो कोलोनियलिज्म भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होगा। यू आर राइट। और भाई जितने भी मार्क्सवादी होते हैं उनका क्या लक्ष्य है? कैपिटलिज्म को पूरी तरह से समाप्त कर देना, बुर्जुआस को खत्म कर देना, है कि नहीं? तो कैपिटलिज्म को समाप्त करेगा कि नहीं रशिया? बिल्कुल करना चाहेगा। और कैपिटलिज्म को समाप्त करने के लिए कोलोनियलिज्म को समाप्त करना होगा, और कोलोनियलिज्म को समाप्त करने के लिए वो भी तो प्रेशर बनाएगा जो कोलोनियल पावर्स हैं यूरोप के। तो भाई दो सुपर पावर वर्ल्ड वॉर टू के बाद आते हैं एरिना में और दोनों चाहते हैं कि भाई डीकोलोनाइजेशन होना ही चाहिए, करो डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये दूसरा आपका रीजन था, ये चेंजेस हुए इंटरनेशनल लेवल पे और रशिया एडवोकेट कर रहा था राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन कि भैया हर एक कंट्री को अधिकार है अपने नियति को खुद तय करने का। अब तीसरा है रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना हुई, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन का आपका गोल क्या था? गोल था आपका कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करेंगे। ये बस इंस्टीट्यूशन था जिसका एकमात्र लक्ष्य था कि भैया किसी तरह से हमको तीसरा वर्ल्ड वॉर को रोकना है। और आप बताइए, मैंने आपको कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस बताए हैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के। इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म सबसे बड़ा रीजन था कि नहीं? एक मेजर कॉज था दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए, क्योंकि सारे यूरोपियंस पावर चाहते थे कि अरे हम ज्यादा कॉलोनीज रखेंगे, नहीं हम रखेंगे ज्यादा कॉलोनी, तुमको नहीं रखने देंगे। आपस में लड़ भिड़ जाते थे, तो अगर उस समय कॉलोनीज रहेंगे तो भविष्य में फिर सब आपस में रेस लगाने लगे कि नहीं हम ज्यादा कॉलोनी रखेंगे, हम ज्यादा कॉलोनी रखेंगे। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा ना। तो इसीलिए यूएन ने भी एडवोकेट किया कि जो कॉलोनियलिज्म है इट वॉज द मेजर रीजन फॉर द टू वर्ल्ड वॉर्स एंड नाउ It is the time to abolish the policy of colonialism and decolonization must be practiced by the European powers, the European colonial powers, the colonial masters. और ये जो तीन causes है, तीन कारण रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके कारण से आपका गैर उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको हासिल किया गया, ठीक है? उसके बाद colonies में क्या चेंज हुए, सॉरी कॉलोनियल पावर्स में, कॉलोनियल पावर्स में भी बदलाव आया। कॉलोनियल पावर्स माने फ्रांस में भी बदलाव आया, ब्रिटेन में भी बदलाव आया, डच जो लोग थे अर्थात द पीपल ऑफ नीदरलैंड बेल्जियम, सब में कॉलोनीज में भी बदलाव आया। कैसे बदलाव आया, क्या क्या बदलाव आया, ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वे कमजोर हो गए इकोनॉमिकली, ठीक है? ब्रिटेन फ्रांस जीत कर भी हार गया और जर्मनी और इटली तो हार ही गया था वर्ल्ड वॉर टू को, और ब्रिटेन फ्रांस को इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वे अब इस पोजीशन में नहीं थे वर्ल्ड वॉर टू जीतने के बाद भी कि वे अब अपना डोमिनेंस उपनिवेशों पर एक्सरसाइज कर पाए, अपने कॉलोनीज को कंट्रोल कर पाए। तो उनके लिए एक आपका कंपल्शन हो गया कि भाई अब किसी तरह कॉलोनीज को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनीज को आप ज्यादा देर तक अपने वश में नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास अब उतनी क्षमता नहीं रही, आप कमजोर हो चुके हैं। दूसरा आपका कैटलिस्ट के तरह काम करता है कि लिबरल रिजीम अर्थात उदारवादी सरकारें बनी कॉलोनियल पावर्स में, जैसे फ्रांस में, ब्रिटेन में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आपके क्लेमेंट एटली साहब जो लेबर पार्टी के थे अगर वर्ल्ड वॉर टू के बाद चुनाव नहीं जीतते और अगर यही आपका रहता, अगर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, मैं आपको बता रहा हूँ 1947 में हमें ब्रिटिश छोड़कर चले गए, विंस्टन चर्चिल जिद्दी था, वो कम से कम 1950-51 तक रखता जरूर और तब 1950-51 तक हमें इंडिपेंडेंस देता, और 1948 से पहले तो देने ही वाला नहीं था। उन्होंने तो समय तय किया था कि हम 30 जून 1948 को हिंदुस्तान को आजाद करेंगे, पर बहुत सारे कारण हुए,
उनको जल्दी से दुम दबा के भागना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, वहाँ लिबरल रिजीम्स इंस्टॉल्ड हुए कॉलोनियल पावर्स में, जो सच में चाहते थे, उनमें इच्छा शक्ति थी कि हाँ, हम सच में अपने कॉलोनीज को, अपने उपनिवेश को आजाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार हुई, उसी तरह से फ्रांस में आपका चतुर्थ रिपब्लिक जो है, फोर्थ रिपब्लिक, उसको इंस्टॉल किया गया, जो कि क्वाइट लिबरल था, जो कि कुछ हद तक लिबरल था इन इट्स आउटलुक। और यही सब कारण से जो है वो डिकोलोनाइजेशन हुआ। और तीसरा कारण है कि कॉलोनियल पावर के जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे, वह खुद अपने देश पर दबाव बनाने लगे कि आप गलत कर रहे हो, आपने इन कमजोर देशों को अपने कब्जे में क्यों रखा है, आप इनको हटो, इनको आप स्वतंत्रता दो, हटो यहां से। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस लोग जो है अपने जनता को क्या सिखा रहे थे कि जर्मनी और इटली, वहां फासिज्म है, वहां नाजिज्म है, बहुत खराब आइडियोलॉजीज है, और ये खराब आइडियोलॉजीज पूरे विश्व को तबाह कर देंगी। अब वहां के जो कॉलोनियल पावर्स के जो नागरिक थे, जब उन्होंने कंपेयर किया कि जिस तरह से नाजीवाद और फासीवाद हमारे साथ व्यवहार करता था, क्या वही व्यवहार हम अपने उपनिवेशों के साथ नहीं कर रहे? क्या हम उनका शोषण नहीं कर रहे? क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे? हम एक तरफ ब्रिटेन में कहते हैं वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर बेस्ट, हम सबको न्याय देते हैं, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान जैसे जो कॉलोनीज है, उपनिवेश है, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आपको उनको छोड़ना होगा, उपनिवेशों को, ये सही नहीं है, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है, ये मैनकाइंड के खिलाफ है। और बहुत सारे आपके ऐसे वेस्टर्न राइटर्स आए जिनको सिंपैथी था कॉलोनीज के प्रति, जिन्होंने उपनिवेशों के बारे में लिखा कि किस तरह से जो हमारे अपने देश है, मतलब ब्रिटेन का कोई खड़ा हो गया राइटर जो है, बोला किस तरह से देखो हमारा ब्रिटेन भारत के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उससे इंस्पायर्ड हुए नागरिक, अपने कॉलोनियल पावर जो थे उन पर ही प्रेशर पड़ना शुरू हो गया अपने नागरिकों का। फ्रांस में भी यही होता है और बाकी भी कॉलोनियल पावर्स में यही होता है, और लास्ट में उनको छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये कॉलोनियल पावर्स के अंदर चेंजेस हुए, ठीक है। उसके बाद कॉलोनीज में भी चेंजेस हुए, जो उपनिवेश थे उनमें भी चेंजेस हुए, उनमें एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट अर्थात गैर साम्राज्यवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिनका मात्र एक मकसद था कि किस तरह से हम आजाद हों। और इन्हें ही हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन में रखते हैं, अर्थात गैर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से अकॉम्प्लिश किया गया, अचीव किया गया, प्राप्त किया गया। तो मेथड्स और स्टेजेस के द्वारा प्राप्त किया गया। तो जो मेथड्स है, जो स्टेजेस है, दे आर इंक्लूडेड इन प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन। द डिकोलोनाइजेशन हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड, हैज बीन अचीव्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड मेथड्स, and these methods and stages are included within the process of decolonization, ठीक है। तो process of decolonization में anti-imperialist movement को हम लोग रखते हैं। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि anti-imperialist movement जो है वह अलग अलग देशों में अलग अलग time में, इंडिया में अब जब हो रहा था तो उस समय थोड़ी था कि कॉन्गो में भी हो रहा था, वो बाद में हुआ। लेकिन हाँ, इस तरह के movement जहां भी आजादी मिला उपनिवेशों को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, थर्ड वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन में, वहां इस तरह के मूवमेंट्स चले ही चले। हाँ, ये नोट करने वाली बात है कि जो गाना कंट्री है अफ्रीका की, कॉन्गो है, एंगोला है, ये सब में जो इस प्रकार के आंदोलन थे, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट थे, ये बहुत बाद में शुरू हुए, जब बहुत सारे एशियन कॉलोनीज, जब एशियाई उपनिवेशों को आजादी मिल चुकी थी, ठीक है। तो जो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, और दूसरा है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, अर्थात राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। ये दोनों में फर्क है। जितने भी उपनिवेश थे,
उसमें या तो ऐसा वाला एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हुआ या तो ऐसा वाला एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हुआ। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी यहाँ डिस्कस करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये जो दो टाइप के एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स है, ये 3 स्टेजेस में चले, ये 3 स्टेजेस में चले और ये भी 3 स्टेजेस में चले, और दोनों के जो 3 स्टेजेस है वह कॉमन है। भले ही एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स का नेचर अलग अलग है, इसका नेचर अलग होगा, इसका नेचर अलग होगा के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो स्टेजेस होंगे ना वो एक होंगे, जिसके बारे में हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जैसे हमारे इंडिया में क्या हुआ, तो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो जो मेजोरिटी कंट्रीज थे, जो अधिक देश थे, उनमें यही वाला मूवमेंट हुआ था, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसका एक ही मात्र मकसद था कि हमें फॉरेन रूल, जो विदेशी जो शासन है उसको समाप्त करना है और हमें अपना राष्ट्रीय शासन को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो स्वतंत्रता के बाद हम एक बहुत मजबूत राज्य का निर्माण करेंगे, ये इनका लक्ष्य होता था, ठीक है। लेकिन ये समाज में रेडिकल चेंज अर्थात क्रांतिकारी बदलाव के समर्थक नहीं थे, क्योंकि ये राइटिस्ट थे, ये आपके थे दक्षिणपंथी, जो ये जो लीडर्स थे जो कि इन मूवमेंट्स को चला रहे थे, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को, ये दक्षिणपंथी लीडर्स थे, ये रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते थे समाज में, ठीक है। लेकिन जो लेफ्टिस्ट थे, जो वामपंथी जो लीडर्स थे, उनका मानना था कि ये जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स है यह बुर्जुआ आंदोलन है, यह एक प्रोफेशनल और ब्यूरोक्रेटिक मूवमेंट्स भरमात्र है, जिसका एक ही आपका मकसद है पॉलिटिकल चेंज अर्थात राजनीतिक बदलाव। इसको देखिए समझिए, यहीं पे वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आएंगे, ठीक है, आपके सामने। नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के तहत क्या था कि विदेशियों को भगाओ और यहां शासन स्थापित कर दो अपने देश का, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट बना दो। लेकिन नेशनल गवर्नमेंट बनाने से क्या हो जाएगा, क्या नेशनल गवर्नमेंट बनाने से समाज में जितने भी लोग हैं क्या सबके साथ न्याय होगा, क्या गरीबों के साथ, क्या किसानों के साथ न्याय होगा, क्या दलित के साथ न्याय होगा? सरकार जो है वह भले ही देसी सरकार होगी, पर वह देसी सरकार अपने देशवासियों का ही शोषण करेगी, वह देसी सरकार उच्च जातियों की होगी, वह देसी सरकार का मात्र एक मकसद होगा कि किस तरह से हम अपने जो नीचे तबके के लोग हैं उनका शोषण करें और अपना हम लोग हित को बढ़ाएं। चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह ऐसी स्वतंत्रता को बुर्जुआ की स्वतंत्रता कहते थे कि ठीक है अभी हमें शोषित कर रहे हैं विदेशी, लेकिन अगर इस तरह से नेशनल मूवमेंट्स को अगर आप रन कीजिएगा तो हमारे अपने सरकार में लोग बैठेंगे और वे हमारे देश का शोषण करेंगे, और जो आजादी है आजादी निरर्थक होगी, क्योंकि आजादी कुछ ही लोगों की होगी, क्योंकि आजादी बहुमत की नहीं होगी, क्योंकि बहुमत में जो लोग हैं गरीब हैं, किसान हैं, दलित हैं, उनकी आजादी नहीं होगी। इसीलिए ये जो मेथड है इसको वामपंथी रिजेक्ट करते हैं, और आपको जानकारी हो कि जो भगत सिंह थे और जो चंद्रशेखर आजाद थे ये वामपंथी थे, लेनिन और मार्क्स से काफी प्रभावित थे, कम्युनिस्ट थे, ये साम्यवादी सोच और समाजवादी सोच के ये आपके लोग थे, विचारक थे। ये ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे कि विदेशी चले जाए और फिर विदेशियों की तरह देशवासी ही अपने देशवासियों का शोषण करें। ये रेडिकल चेंज चाहते थे समाज में, ये इक्वालिटी लाना चाहते थे समाज में, कि ऐसी स्वतंत्रता मिले जो समानता के साथ मिले, नहीं तो बिना समानता की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये जो मूवमेंट्स थे नेशनल इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, ये जो आपके देश
जो पैट्रियोटिक लीडर्स थे उनके द्वारा गाइड किए गए, उनके द्वारा लीड किए गए, और जिनका मात्र एक मकसद था स्वराज या सेल्फ रूल, अपनी सरकार। अब अपनी सरकार सबके साथ किस प्रकार से पेश आएगी? क्या 70 वर्षों से इसी तरह से शोषण होता रहता किसानों के साथ, दलित के साथ? इस चीज को समझिए। बस इनका मकसद था सेल्फ रूल, स्वराज, जिसके बारे में वीर भगत सिंह ने अपने पत्र में लिखा था। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जिस भी देश में आपके ये वाला जो मूवमेंट हुआ, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, उसमें लिबरल डेमोक्रेसी अर्थात उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। एग्जाम्पल इंडिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है। दूसरा तरह का मूवमेंट्स कुछ देशों में चला, दूसरा तरह का मूवमेंट चला जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका जो मकसद था यह स्वतंत्रता नहीं था, इनका मकसद मुक्ति था, इमैंसिपेशन था। स्वतंत्रता और इमैंसिपेशन में डिफरेंस होता है। अगर एक छोटा अगर डिफरेंस बताओ तो स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर मुक्ति में स्वतंत्रता सभी को मिलती है, ठीक है। तो ये जो नेशनल मूवमेंट्स चले, लिबरेशन मूवमेंट्स, ये कुछ ही कॉलोनीज में हुए, कुछ ही उपनिवेश में हुए, और यहाँ लेफ्टिस्ट वामपंथी विचार धाराओं ने इसको सपोर्ट किया, इनको गाइड किया। क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे आधारित था। क्लास थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल पढ़े है ना मार्क्स का, उस पे मैंने वीडियो बना रखा है। इनका मकसद था कि हम एलियन रूल को समाप्त करेंगे, अर्थात हम विदेशी के शासन को तो समाप्त करेंगे, साथ ही साथ हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे अपने सामाजिक और अपने आर्थिक प्रारूप में, अपने सामाजिक और आर्थिक सिस्टम में। ये जो मूवमेंट्स थे ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे, और इनका एम था आपका सोशल रेवोल्यूशन लाने का, सामाजिक क्रांति लाने का। और सामाजिक क्रांति के साथ साथ जब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आएगी तो उसका अलग मीनिंग होगा। वो आजादी सबकी आजादी होगी, वो आजादी किसानों की आजादी होगी, दलित की आजादी होगी, गरीबों की आजादी होगी। तो ये आपका दूसरा तरह का आपका एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट चला कॉलोनीज में। और जहां जहां इस प्रकार के मूवमेंट चले वहां सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर एंगोला, क्यूबा, आप एक समय में रशिया में भी यही हुआ था, चाइना में भी यही हुआ था। तो ये दो तरह के आपके एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है। तो जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल सिलेबस में दिया है ना एक टर्म, उसमें यही लिखना है, चेंजेस विद इन द कॉलोनी। क्या हुए चेंजेस? तो एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट शुरू हुए, और एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट दो टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। और दोनों का नेचर क्या है? एक सिर्फ स्वराज की बात करता है, और एक स्वराज चाहता है लेकिन साथ ही साथ सामाजिक संरचना में बदलाव भी चाहता है, ठीक है। एक का मकसद सिर्फ स्वतंत्रता है, दूसरे का मकसद स्वतंत्रता के साथ साथ मुक्ति भी। अब मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट हो, इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हो, वो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो या फिर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट हो, दोनों तीन स्टेजेस में हुए, ठीक है। दोनों में तीन कॉमन स्टेजेस थे, और इन तीन कॉमन स्टेजेस को किसने हमारे सामने रखा? ज्योफ्री बैरकलॉ ने। तो जो बैरकलॉ है ये हमारे सामने तीन स्टेजेस देते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है। अब देखिए ये जो तीन स्टेजेस हैं इनका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। जैसे प्रोटो नेशनलिज्म का जो टाइम पीरियड है हमारे इंडिया में 1885 जब कांग्रेस बना उस समय से लेकर 1905 तक रहा, लेकिन इंडोनेशिया में सेम टाइम पे प्रोटो नेशनलिज्म होगा ये नहीं कह सकते हम लोग, वहां 1911 में था ऐसा। अब जो अफ्रीकन कंट्रीज है, टूनिसिया, नाइजीरिया, ये सब में 1920 में ये स्टेज था। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉलोनीज में ये सब स्टेजेस आए, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि ये स्टेजेस आए उसके बाद ही प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन को अकॉम्प्लिश किया गया, अचीव किया गया। सो इन द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन दीज स्टेजेस वेयर द इंटीग्रल पार्ट्स
हम उनको अलग नहीं कर सकते प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन से, इन तीन स्टेजेस से ही डिकोलोनाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से हासिल किया गया है। हाँ, हो सकता है किसी देश में अलग टाइम पीरियड में हुआ हो, किसी देश में अलग टाइम पीरियड हुआ हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला है प्रोटो नेशनलिज्म। तो प्रोटो नेशनलिज्म जो है ये स्टेज में क्या हुआ, तो ये स्टेज में जो है कॉलोनियल रूल जब आकर, जैसे इंडोनेशिया पर डच ने जाकर कब्जा किया, इंडिया पर ब्रिटिश आए, जो फ्रेंच है वियतनाम में गए, और चाइना के कुछ पार्ट में फ्रेंच थे, तो जब इन्होंने अपना रूल स्थापित किया तो इन कॉलोनियल रूल को जो वहां के लोकल पीपल थे इन्होंने एक्सेप्ट किया, इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं, इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटो नेशनलिज्म स्टेज में क्या होता है कि जो कॉलोनियल रूल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वहां के लोकल पीपल, लेकिन वे पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स करते हैं, अर्थात वह सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन करते हैं कुछ हद तक, और उन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से वो डिमांड करते हैं, वह मांग रखते हैं कि भाई हमें कुछ बदलाव चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए इस सिस्टम में जो आपने बनाया है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ब्रिटिश भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नहीं, अंग्रेजों भारत में ही रहो, ठीक है हम पे शासन करो, लेकिन इस शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव तो करो। जानते हैं मॉडरेट लीडर्स कांग्रेस के, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब थे प्रोटो नेशनलिस्ट लीडर। इसी तरह से इंडिया में जिस तरह से हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ, वहां भी रिफॉर्म्स की मांग की गई। रिलीजियस नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसको हम लोग शरीकत इस्लाम के नाम से जानते हैं, और इस तरह के मूवमेंट टूनेशिया, नाइजीरिया और सभी जगह जहां जहां कॉलोनीज थे और जिनको आजादी मिली, सभी जगह इस तरह के मूवमेंट हुए। प्रोटो नेशनलिज्म ये पहला स्टेज। दूसरा स्टेज में क्या हुआ, पहला स्टेज में इन्होंने एक्सेप्ट किया और बस थोड़ा बहुत डिमांड रखा, लेकिन दूसरे स्टेज में इनके डिमांड बढ़ने लगे, और डिमांड बढ़ने लगे और कुछ समय के बाद इन्होंने स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना लिया। इन्होंने देखा, अरे भाई स्वतंत्रता चाहिए हमें, ऐसा इन्होंने क्यों सोचा कि स्वतंत्रता चाहिए, एक समय तो एक्सेप्ट कर रहे थे उस फॉरेन रूल को। तो इसके पीछे का कारण है नेशनलिज्म, जो प्रोटो नेशनलिज्म है वह नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गया, वह राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो गया। देखिए दूसरा स्टेज को बोलते हैं राइज ऑफ न्यू लीडरशिप। तो आपका जो नया जो लीडरशिप है उसका उद्भव होता है, उद्गम होता है कॉलोनीज में। कैसे होता है भैया, तो मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम लाते हैं जो कॉलोनियल मास्टर्स होते हैं, फ्रेंच ने वियतनाम में लाया, फ्रांस ने वियतनाम में लाया, इंडिया में ब्रिटिश ने लाया, आई थिंक 1835 में लाया गया था, वो क्या नाम था उसका जो आईपीसी वो लिखा था, अरे क्या नाम था उसका, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसी को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एडुकेशन इन इंडिया, हाँ लॉर्ड मैक्यूले, हाँ याद आ गया, लॉर्ड मैक्यूले था, ठीक है। तो जब मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है जब पूरे कॉलोनीज में, तो एक लैंग्वेज पूरे कॉलोनीज के लोग सीख जाते हैं, जब एक कॉमन लैंग्वेज सीख जाएंगे और जब उन्हें जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जो कॉलोनियल मास्टर थे चाहते थे कि कलर्क हम यहीं से हायर करेंगे, बाहर से अपने देश से लाएंगे, ज्यादा पैसा देना पड़ता है, यहीं से हायर करो। तो इनको जब नौकरी वोकरी लग गया तो ये मिडिल क्लास बन गए, ये गरीब से थोड़ा उठे ऊपर, मिडिल क्लास तक उठे। और जब ये पढ़ रहे थे उस समय इन्होंने और भी कॉलोनीज के जितने भी लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया, पहले एक बंगाली और एक तमिल वाला साथ में बात नहीं कर पाता, लेकिन जब मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम आया, जब बंगाल में भी इंग्लिश पढ़ाया जाने लगा और तमिलनाडु में भी पढ़ाया जाने लगा, तो दोनों इंग्लिश में बात कर सकते हैं कि ओहो अंग्रेज तो ना इंसाफी कर रहा है भैया दोनों के साथ, समझ रहे हैं बात को। तो मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम आया, कॉमन लैंग्वेज डेवलप हो गया, साथ ही साथ जब वे इंग्लिश सीखे तो वे कई रेवोल्यूशंस के बारे में जाने, जैसे मैं आपका अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां इन्होंने देखा कि यार इसी तरह से कॉलोनीज बनाकर रखा था इन लोगों ने, अमेरिका तो आजाद हो गया, अच्छा फ्रांस में इस तरह का समस्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वहां तो बहुत सारा बदलाव हुआ, इसी तरह से सोचेंगे।
बहुत सारे थिंकर्स के आइडियाज को पढ़ेंगे, लॉक, रूसो, हॉब्स सबको पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी से अवगत होंगे, और उसके बाद इनका डिमांड बढ़ने लगेगा कि अरे डेमोक्रेसी नाम का भी कोई चीज होता है, राइट नाम का भी कोई चीज होता है, तो हमको भी थोड़ा बहुत से नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो तेज हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, और यही सब नए लीडर बन के उभरेंगे, ये जो मिडिल क्लास वाले हैं, और अल्टीमेटली ये देखेंगे कि भाई अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, वे अपना मांग रख देंगे अल्टीमेटली सेकेंड स्टेज पे, स्वतंत्रता से तो कम कुछ नहीं, क्योंकि वे और आइडियाज जानेंगे, वे जानेंगे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में, कि हर एक देश को अधिकार है वह अपनी नियति, अपने डेस्टिनी को कैसे तय करेगा, तो ये भी कहेंगे कि क्यों नहीं हमको दोगे तुम अधिकार, हमको भी दो, हम क्यों रहे तुम्हारे गुलाम, हमको भी इंडिपेंडेंस दो, तो इस तरह से सेकेंड स्टेज में होगा। इंडिया में ये स्टेज कब से कब तक चला, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी चला रहे थे, साथ में खिलाफत भी चल रहा था इसी के साथ में मर्ज होके, तो इस समय गांधी जी ये नहीं बोल रहे थे कि स्वतंत्र करो भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा नहीं था, गांधी जी बस ये कह रहे थे कि भाई हमारे सिस्टम में बदलाव करो, ज्यादा से ज्यादा बदलाव करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लीडर्स उभरे, और 1929 में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर दी लाहौर सेशन में, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, कांग्रेस ने पास किया, तो उस समय हमने पूर्ण स्वराज की मांग की, उससे पहले तो हम भी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें ही बदलाव की बात कर रहे थे, इसी तरह का आपका हुआ। तीसरा है आपका मास मूवमेंट, अब आपका जो लीडरशिप है वह आगे बढ़ता है और मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरा स्टेज में जो नेशनल मूवमेंट है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है कि जो कॉलोनियल रूलर्स है ना, इनको सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने पावर को मेंटेन करने के लिए। इंडिया में महात्मा गांधी ने मास मूवमेंट चलाया, कॉमन मैन जो रिमोट विलेजेस के लोग हैं वे तक जुड़े, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का किस तरह से मांग रखा, जिसको हम लोग पॉपुलरली क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, 1942 में हुआ था, तो ये मास मूवमेंट था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, डू और डाई, बहुत बड़ा मूवमेंट था, और इसी तरह का मास मूवमेंट आपका नाइजीरिया में भी चला 1951 में, इंडोनेशिया में जो सुकार्नो थे, सुकार्नो बाद में प्रेसिडेंट बने इंडोनेशिया के, उनके भी लीडरशिप में ये आंदोलन चला, तो ये तीन स्टेजेस से गुजरा, और उसके बाद जो प्रक्रिया है डीकोलोनाइजेशन की उसको अकॉम्प्लिश की गई। तीन कौन कौन से स्टेजेस थे, प्रोटो नेशनलिज्म का स्टेज था, और ये सब कौन बता रहा है, बार्कलॉ बता रहा है, राइज ऑफ न्यू लीडरशिप, और तीसरा मास, और अल्टीमेटली जो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन है वह अकॉम्प्लिश होता है, प्रोसेस ऑफ जो डीकोलोनाइजेशन है दैट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द डिफरेंट मेथड एंड स्टेजेस। व्हाट आर द स्टेजेस, द स्टेजेस इंक्लूड द स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स व्हिच इज गिवन बाय द बार्कलॉ, एंड व्हाट इज द मेथड, देयर आर द टू मेथड ऑन द नेचर ऑफ द एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट, मेथड तो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट होगा, but that method can be classified into two parts on the basis of the nature, ek independence movement tha, dusra liberation movement tha, to is tarah se process of decolonization mein aap sabhi cheezon ko likhiyega, aur isi process of decolonization mein anti colonial struggle bhi included hai, jo methods maine jiske bare mein bataya, jo aapke syllabus mein likha hua hai। ab hum jante hain kya kya consequences hue, parinam hue decolonization ke, gair upnivesikaran ke। सबसे पहला थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तृतीय विश्व के देश एग्जिस्टेंस में आए, पॉलिटिकल साइंस और जितने भी बाकी सोशल साइंसेस थे सबका जो स्कोप है, सबका जो दायरा है वह बढ़ा। पहले सिर्फ यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड को दुनिया पढ़ा करती थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को पढ़ना शुरू किया, यूरोसेंट्रिज्म का जो यूरोपीय केंद्रवाद का जो विचारधारा था, जो आइडियोलॉजी था, उसमें गिरावट आई, गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, समीर अमीन लेकर आते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है, जब डीकोलोनाइजेशन नहीं होता, इतने सारे कंट्रीज जब एग्जिस्टेंस में नहीं आते एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, तो कहां से आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन होता।
फिर जो डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है, डायरेक्टली पॉलिटिकली आप कब्जा करते थे कॉलोनीज में और डायरेक्टली आप उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट करते थे, उनका शोषण करते थे, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन एक अलग तरह का शोषण करने का तरीका उभर कर सामने आता है जो अभी भी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द नियो इंपीरियलिज्म एंड नियो कोलोनियलिज्म। यहाँ नियो छूट गया है, ठीक है। नियो इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म के जैसा ही दिस इज ऑल्सो द पॉलिसी, और ये पॉलिसी में हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने सुप्रीमेसी के माध्यम से, जो मजबूत कंट्री है वो एक कमजोर कंट्री को दबाव डालता है और अपने हिसाब से काम करने के लिए प्रेरित करता है, और ये नियो कोलोनियलिज्म को जन्म देता है, नौ उपनिवेशवाद को। आज हमें एलपीजी अपनाना पड़ा है, ये नौ उपनिवेशवाद का ही तो देन है। प्रेशर बनाया ना हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कि ये छोड़ो सोशलिस्ट, ये सब जो स्ट्रक्चर है मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन करो अपना, बहुत सारी चीजें हैं उतना आपको जानना नहीं है। तो ये आपके मेजर जो है वह कॉन्सिक्वेंसेस रहे, परिणाम रहे आपके डीकोलोनाइजेशन के। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। हाँ, अब मेरे पास ज्वाइन बटन भी आ चुका है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 29 रुपीज में, और आप बहुत सारे जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ज्वाइन नहीं करना आता तो बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप सबका, और अच्छे से पढ़ते रहिए और बस अपने लाइफ में सफल होइए। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।